जी अस्सलाम वालेकुम कैफ़े लेक्चर 77। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम चैप्टर 8 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव और चैप्टर 9 के फर्स्ट 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करने जा रहे हैं। आज क्या करने जा रहे हैं हम? चैप्टर 8 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव और चैप्टर 9 के फर्स्ट 2 लर्निंग। और एक और चीज़ याद आई मुझे, चैप्टर असाइनमेंट नहीं, आपने तो असाइनमेंट कर ली, अपना हक अदा कर दिया। मैंने अभी अपना हक अदा नहीं किया। क्या चैप्टर 8 के क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस किए? तो आज के लेक्चर में वो भी डिस्कस ना हो जाए। चैप्टर 8 के क्वेश्चन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए चैप्टर 8 में अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट ऐसा जो समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। पूछ रहे जी, कुछ नहीं समझ आया? अच्छा, ये सब बताया कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा लास्ट, सेकंड लास्ट कंसेप्ट क्या था चैप्टर 8 का? कि जब मैनेजमेंट ड्यूरिंग ऑडिट हमसे रिक्वेस्ट करे कि सर टर्म्स को चेंज कर लें, तो हमने क्या करना है? हमने इसमें सीखा मैनेजमेंट किन सर्कमस्टेंसेस में रिक्वेस्ट करेगी। हमने ये सीखा कि जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे तो हमने क्या करना है, कैसे वैल्यूएट करना है कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे कि ना करे। फिर हमने सीखा कि अगर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे तो क्या करना है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करे तो क्या करना है। अब ड्यूरिंग ऑडिट वाला काम हो गया, ऑडिट भी कंप्लीट हो गया, अगले साल हमें दोबारा अपॉइंट किया, रीअपॉइंटमेंट का केस। क्या नेक्स्ट ईयर में हमें दोबारा एंगेजमेंट लेटर सेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लास्ट कंसेप्ट इसी चीज पे डिस्कस कर रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या आपको ज्यादा काम करना पसंद है कि कम काम करना? कम, एग्जैक्टली। दुनिया के हर बंदे को, मुझे भी कम काम, अगर कम काम करके काम हो सकता है तो ज्यादा करने की क्या जरूरत है? ज्यादा करने की, अगर 2 घंटे रोज पढ़ के ऑडिट पास हो सकता है तो 4 घंटे पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, 2 घंटे काफी है। उसी तरीके से ऑडिट में भी, अगर हम इंटरन, एक केस स्टडी उसने पूछी, उसने कहा इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना रिक्वायर्ड तो नहीं है ना? नहीं भाई, आपकी मर्जी है ना। अगर इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग हैं, आप क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहे तब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं ना। उसने कहा एक ऑडिटर है, उसने कहा क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करूंगा, रिक्वायर्ड जो नहीं है रिक्वायर्ड, मैं सारे का सारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर से ही एविडेंस लूंगा। टेक्निकली ठीक कह रहा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की इजाजत देते हैं क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ऐसी अप्रोच को हम कहते हैं ये इनएफिशिएंट है। जब क्लाइंट के कंट्रोल स्ट्रांग है, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कम कर सकते हैं, तो कम क्यों ना किया जाए? जब हमारे पास ऑप्शन है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के बाद अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम कर सकते हैं, और इस सूरत हाल में आप कहें नहीं, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम नहीं करने, मैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा ही परफॉर्म करूंगा, टेक्निकली ये अप्रोच में प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसे कहा जाता है ये इनएफिशिएंट अप्रोच है। इन, जब आप किसी सिचुएशन में फायदा ले सकते हैं प्रोसीजर कम कर, तो क्यों ना करें, क्यों ना करें। उसी तरीके से ये जो अब कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं ना, एंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट, तो सबसे पहले रिकरिंग ऑडिट का कंसेप्ट तो आपको पता है ना, इनिशियल ऑडिट का ऑपोजिट, यानी जो पिछले साल हमने ऑडिट किया और इस साल हम दोबारा रीअपॉइंट हो गए, इसे क्या कहते हैं? रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट पे आप चाहें तो हर साल एंगेजमेंट लेटर इशू करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि आप एंगेजमेंट लेटर को चाहे तो इन सिचुएशंस में सेंड ना करें, तो हमें फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। इसीलिए अगर आप इनएफिशिएंट ऑडिटर्स बनना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं नहीं मैं तो हर साल एंगेजमेंट लेटर इशू करूंगा, तो फिर इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को छोड़ दें। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो याद कर, प्रैक्टिकली छोड़ दें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं मैं एफिशिएंट ऑडिटर बनूं, जहां पे एंगेजमेंट लेटर रिकरिंग ऑडिट पे एंगेजमेंट लेटर री इशू करने की जरूरत है,
सिर्फ उसी वक्त रीइशू करो, और जहां पे एंगेजमेंट लेटर को रीइशू करने की जरूरत नहीं है रीइशू ना करो, तो फिर ये कंसेप्ट आप ही के लिए है। ये कंसेप्ट हमें क्या बताएगा कि वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब एंगेजमेंट रिकरिंग ऑडिट पे एंगेजमेंट लेटर दोबारा इशू करना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सिचुएशंस होंगी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तब तो आपने एंगेजमेंट लेटर रिकरिंग ऑडिट पे दोबारा इशू करना है, लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तब नहीं करना है ना। मजे की बात, ये 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स याद किए और पूरे का पूरा एंगेजमेंट लेटर हमें दोबारा लिखने से हो सकता है जान छोड़ जाए। क्लियर? तो क्या सीखने जा रहे हैं हम, रिकरिंग ऑडिट पे दोबारा से एंगेजमेंट लेटर को इशू करने की जरूरत है कि नहीं। स्टैंडर्ड कहता है इट डिपेंड्स। कहता आप देखिए, अगर आपको सर्कमस्टेंसेस में चेंज लगे तो क्या करें, इशू कर दें दोबारा, और अगर सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं है ना करें। यह है मनवर्ड आंसर। इसका क्वेश्चन क्या है, क्या रिकरिंग ऑडिट पे दोबारा से एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन है। इसका वन वर्ड आंसर क्या है, अगर सर्कमस्टेंसेस में चेंज है तो दोबारा इशू कर दो मैनेजमेंट को, अगर आपको लगे मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा इशू, अगर सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं है फिर रहने दो, फिर मैनेजमेंट से कहो वही आप भी वही पिछले साल वाले मैनेजमेंट, मैं भी वही ऑडिटर पिछले साल वाला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी वही पिछले साल वाले, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी वही पिछले साल वाले, तो जब सारी चीज़ें पिछले साल वाली हैं तो एंगेजमेंट लेटर भी वही पिछले साल वाला। लेकिन अगर आपको लगे मैनेजमेंट में सीनियर मैनेजमेंट में चेंज है, अगर आपको लगे मेजर ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अगर आपको लगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आया, लीगल रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया, अगर आपको लगे मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार है, तो ऐसे हालात में रीइशू कर देना बेहतर है। अगर मैनेजमेंट आपसे कोई स्पेशल काम भी करवाना चाहती है, रूटीन का काम तो हम करते ही रहते हैं ऑडिट, स्पेशल काम करवाना चाहते हैं मैनेजमेंट, कोई एडिशनल काम भी तो हो सकता है ना। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि नहीं, क्या कि अगर ऑडिट के साथ मैनेजमेंट ने कोई रिव्यू करवाना हो, एनी अदर रिपोर्ट, उसको भी लिखा जा सकता है। तो पहले मैनेजमेंट ने कोई रिव्यू या कोई और सर्विस नहीं करवानी थी, अब मैनेजमेंट ने स्पेशली कहा हम आपको एक और सर्विस आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, उनका मंजूर है, एग्रीमेंट लिख दें, पिछले साल नहीं थी। अब इस सिचुएशन में जब स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो रही हैं, तो नया एंगेजमेंट लेटर ना, क्योंकि पिछले साल तो स्पेशल नहीं थी, पिछला साल तो आम साल था, ये साल है खास। तो इन हालात में एंगेजमेंट लेटर को रिकरिंग ऑडिट पे दोबारा इशू कर देना। किन हालात में? व्हेन देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। आधे नंबर के साथ सवाल पूछे तो ये लिख देना व्हेन देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। 2-3 नंबर के साथ पूछे तो फिर आपको सर्कमस्टेंसेस भी बतानी पड़ेंगी, कौन सी सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन लीगल रिक्वायरमेंट, चेंज इन फाइनेंशियल बॉडी, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। हाँ यही पढ़ रहे थे, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आ जाए, ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज आ। सिंपल कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मली रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के साथ पूछता है, ठीक है। लेकिन कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर याद है हमें, वो कौन सा कंसेप्ट था कि एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, उतना ही 6 रिक्वायर्ड थी और बाकी ऑप्शनल में वाली थी, 5 थी, तो छठी वो लाइन स्टेटमेंट डेट देर में भी चेंज, वो 5वीं के साथ ही थी, ठीक है मैं उसे 6 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है 5 रिक्वायर्ड वाले याद है। जो कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर ना, ये भी रिप्रोडक्शन में नॉर्मली पूछता था। इस तरह ये वाला जो कंसेप्ट है कि कब इंगेजमेंट लेटर को रिकरिंग ऑडिट पे दोबारा इशू करना या रिवाइज करना जरूरी है, कब, ये भी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछा। लेकिन उसने
एक दफा क्या किया, क्वेश्चन पूछा उस। अच्छा पहले 10 दफा उसने ये पूछता होता था कि बताओ वो कौन से प्रिंसिपल कंटेंट्स हैं एंगेजमेंट लेटर के, वो कौन से मैटर्स हैं जो एंगेजमेंट लेटर में एग्री करोगे। पहले 10 दफा ये पूछता था, 11वीं दफा फिरकी उसने खाई। क्या 11वीं दफा क्वेश्चन पूछा, उसने कहा ये 4-5 चीजें हैं, बताओ एंगेजमेंट लेटर में इनको इंक्लूड करोगे कि नहीं। एंगेजमेंट तो ये है कि है वही क्वेश्चन, वैसे सिर्फ उसने थोड़ा सा केस स्टडी स्टाइल में पूछ लिया, केस स्टडी स्टाइल में पूछा। हम देखेंगे उसने उसमें पूछा था क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन करवाई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, बताइए ये मैटर एंगेजमेंट लेटर में लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है भाई, होना चाहिए ना। और फीस वो मर्जी है, वो ऑप्शनल है, वो लाजमी नहीं है, वो आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। तो इसी तरीके से अभी तक वो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ किन सर्कमस्टेंसेस में रिकरिंग ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर को री इशू करना, या रिवाइज का लफ्ज भी कभी कभी यूज कर लेता है, जरूरी है कि नहीं। तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ही पूछ रहा है, लेकिन अगर इस दफा वो ये पूछ ले कि भाईजान आपका जो सीएफ, इस दफा आप सीएफओ के पास बैठे, ऑडिट आपने रिपोर्ट पिछले साल की साइन कर ली है, इस दफा सीएफओ के पास बैठे, सीएफओ ने कहा अच्छा आपने इस दफा कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं किया, इसका मतलब है हमारी पूरी कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं है, आपने इस दफा हमें कोई इंटरनल कंट्रोल वीकनेस नहीं बताई, इसका मतलब है हमारी कंपनी में कोई इंटरनल कंट्रोल वीकनेस नहीं है, और फिर बताइए क्या इस सिचुएशन में एंगेजमेंट लेटर को दोबारा इशू करना इस साल जरूरी है। जरूरी है, हाँ जरूर, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। अगर आपको पता चले पुराना डायरेक्टर फाइनेंस, पुराना सीईओ रिटायर हो गए, नए आ गए, तो इश्यू करेंगे। अगर आपको पता चला मेजर शेयर होल्डर तो वही हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर चेंज हो गए हैं, फिर नहीं करेंगे। शाबाश। तो इस तरीके से अगर केस स्टडी स्टाइल में पूछ ले इसी कंसेप्ट को तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कंसेप्ट तो क्लियर, अगर क्लियर है तो फिर आगे चलें। आगे से मतलब इसी ना, अगला चैप्टर ना 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 ना, जब तक पास पेपर के कंसेप्ट के, आपने ये देखा ये किताब में हर कंसेप्ट के साथ हमने कोशिश की है पास पेपर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हों, इसलिए कि रूल क्या है कि जिस कंसेप्ट के पास पेपर का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया, मतलब कंसेप्ट आपको समझ, आपने समझने के बावजूद भी नहीं समझा, क्योंकि समझ लिया आपको पता ही नहीं चला एग्जाम में कैसे पूछेगा, हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो फायदा क्या से समझेगा। सारी क्लासेस ले ली किसी स्टूडेंट ने लेकिन खुदा ना हंसा पास नहीं हो सका, तो क्लासेस लेने का फायदा क्या। तो इसीलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को एग्जाम स्टैंडर्ड के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एग्जाम लेवल के साथ, एग्जामिनर रिक्वायरमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए हर कंसेप्ट के बाद पास पेपर की प्रैक्टिस जरूरी है। इस चैप्टर में अभी तक हमने नहीं की, तो अभी कर लेते हैं। अभी अभी चैप्टर कौन सा, अभी अभी खत्म हुआ, अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें जी, अटेंटिव है, जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा, और जब मैं पूछूंगा ना तब आपने ये नहीं कहना सर दोबारा पूछिए दोबारा पूछिए, पहले तो मैं सोया हुआ था, मैं समझा था मेरे साथ वाले दाएं वाले से पूछेंगे, बाएं वाले से पूछेंगे, मेरे से नहीं पूछेंगे, मुझे क्या पता था आप मेरे से पूछ रहे, ऐसे करते होते हैं आप मेरे साथ, अब नहीं करना। क्वेश्चन 1, स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान लिमिटेड, स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान टीए हैं इधर, टीए नहीं है, हाँ लिए को बुला रहा है, हाँ मैं उसे कह रहा हूँ मुझे कह रहा है जब बुला रहा है, और भाई तेरे को बोल रहा मैं उसे कहूँ सवाल पूछने लगे हैं सर, तो ना बच्चे सो रहे हैं तो उनको जगाने का कोई इंतजाम जो है ना बैग में रखा हुआ है वो लेके आए। क्वेश्चन 1, स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन मार्च 1, 2011, मार्च 1, 2011 से याद आया, इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन के बाद फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है, और किसने 90 डेज, किसने कुछ नहीं यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 90 डेज में अपॉइंटमेंट ना करें कमीशन, शाबाश, तो ये कंपनी इनका, लेकिन ये तो पूछ ही नहीं रहा, पूछ कर रहा है कह रहा है।
ठहर जा ठहर जा ठहर जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ नहीं नुकसान, वो याद आ गया। दो घंटे तो होना चाहिए, कोई मसला नहीं। अच्छा 2 घंटे से याद आया। कि अगर आप चाहें तो आपकी क्लासेस जल्दी खत्म हो सकती हैं। नहीं, क्लास 2 घंटे की, मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं मुसलसल 2 घंटे की क्लास पढ़ा सकूं। 1 घंटे की सुबह में और 1 घंटे की दोपहर में, और दोपहर वाली क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी करने की कोशिश करेंगे। और जो स्टूडेंट किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर सके, उनको लिए यूट्यूब पे लेक्चर दे दें। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो, नहीं तो रूटीन के मुताबिक आप चाहते हैं 5-6 अगस्त तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे चलते रहते। अच्छा आप सोच लीजिएगा, आज की रात आप सोच लीजिएगा, कल बता दीजिए, कल बता दीजिए। अच्छा चले आगे चलते हैं। कह रहे डायरेक्टर्स ऑफ एसपीएल आर इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ द कंपनी, वही बात हुई ना, दे हैव रिक्वेस्टेड योर फर्म टू सबमिट ए प्रपोजल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट। आपकी फर्म से उसने कहा सर प्रपोजल तो दीजिए, आपने कहा अच्छा इसी का तो इंतजार कर रहे थे। पार्टनर ऑफ योर फर्म हैज आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट अ प्रपोजल आफ्टर असेसिंग वेदर द प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट एग्जिस्ट। उसने कहा कि प्रपोजल, भाई बस ये तो 4-5 सवाल होंगे, और भी वो बड़े वाले नोट भी लाओ ना। अच्छा ले गया है, ये तो ये क्या शाबाश। तो क्या कहता है, कहता है पार्टनर है आस्क ड्राफ्ट द प्रपोजल आफ्टर असेसिंग वेदर द प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट एग्जिस्ट। किताबें बंद, किताब बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, किताबें बंद। जिससे पूछा ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट बताइए। पहला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज बाय द मैनेजमेंट इज एक्सेप्टेबल, और दूसरा नहीं। हाँ अब तो बता दिया ना, वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, और दूसरा मैंने एग्रीज ऑन प्रीमाइज ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। शाबाश ठीक है। बी व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड परफॉर्म इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट एग्जिस्ट, बताइए क्या स्टेप्स लेंगे। शोर टाइम नहीं जाया करना, वरना अच्छा बैठा। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन, नहीं ये तो नहीं था कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये तो हम ऑडिट के दौरान में चेक करते हैं, ये तो हम ऑडिट के दौरान में चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है कि नहीं। प्री कंडीशन में तो हम यही चेक करते हैं वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ रिक्वायर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। ये 2 प्री कंडीशन थे ना, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाला ऐसे डिसाइड करेंगे, और दूसरे वाला कैसे डिसाइड करेंगे, दूसरे वाला प्री कंडीशन, दूसरे वाले प्री कंडीशन मैनेजमेंट एग्री होती है, कैसे डिसाइड करेंगे मैनेजमेंट एग्री हुई है कि नहीं हुई। ये हाल रिटर्न, हाँ मैनेजमेंट बताएगी किसके थ्रू ना भाई जी, बताइए आप। इंटरनल कंट्रोल को देखेंगे, खुदा का खौफ करें यार जी। Obtain agreement from management that it accepts its responsibility for preparation of financial statements, design implementation internal control to provide. शाबाश शाबाश भाई, ये इस तरीके से बताना है उनको, इस तरीके से पूरा स्टार्ट अच्छा लेना है कि एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है। डायरेक्ट इंटरनल कंट्रोल की बात करेंगे पता नहीं चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं कि प्रीमाइज बता रहे हैं।
रिमाइज का मतलब है मैनेजमेंट एग्री करे. नेक्स्ट, डिस्कस वेदर योर फर्म मे और मे नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट इफ वन ऑफ द प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट इज नॉट प्रेजेंट. अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है तो बताइए आप एक्सेप्ट कर सकते हैं. हो गया, एक मिनट है, एक मिनट है भाई, शोर ना मचाइए, शोर बताएंगे पहले मैनेजमेंट को बताएंगे व्हाट आर प्री कंडीशन, फिर उन्हें बताएंगे आईएसए रिक्वायर करते हैं, फिर बताएंगे अगर आप प्री कंडीशन है तो पूरा नहीं करते तो इफेक्ट क्या हो सकता है. आगे मैनेजमेंट ने स्टिल कहा प्री कंडीशन पूरी नहीं कर, वी शैल नॉट एक्सेप्ट, यही कहा था कि नहीं करना, यही कहा था नहीं करना जी मेरे भाई. इफ वन ऑफ द प्री कंडीशन, अच्छा उसने लिखा हुआ है वन ऑफ द प्री कंडीशन, कोई एक तो दोनों बतानी है, ये मैंने कहा हुआ है. इसकी तलाशी ले, जितने पैसे वापस ले ले, खुदा का खौफ कर गया. तो ठीक है, घर वालों के पैसे जाया कर रहे हो तो होने देना पैसे जाया, निकाल इसकी जेब से सारे पैसे, क्योंकि किताबों पे पैसे खर्च किए, कॉलेज की फीस दी, हॉस्टल में कितने खर्चे, तो जाया कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये जाया कर रहा है कि नहीं कर रहा, घर वालों के पैसे जाया कर रहा है, याद नहीं करता. घर वालों ने जिस मकसद के लिए भेजा वो मकसद ही नहीं हुआ तो सारे पैसे, सारी अपनी मेहनत तो खैर जाया ना, वो तो उसने करना ही कुछ नहीं है. हाँ, वो तो अगर टाइम बचाया भी तो उसने क्या करना है, फेसबुक, यूट्यूब, वही करना है, उसके टेंशन नहीं है. घर वाल जाया कर रहा है कि नहीं घर वालों के पैसे, बोल तो फिर बताओ. वन ऑफ द प्री कंडीशन आर प्रेजेंट, मैनेजमेंट डज नॉट एग्री ऑन प्रीमाइज तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शाबाश. हाँ, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो क्या करेंगे, कोई नहीं बोलेगा उसके लिए कंडीशन थी. सबसे अहम, सब बोला था कल, सबसे अहम वही याद नहीं की, प्री कंडीशंस, सॉरी कंडीशन. अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लेक्चर पेंडिंग है, घर वालों के पैसे जाया, ये भी जाया कर रहा है. लेक्चर पेंडिंग होना तो बहुत सी चीजें पेंडिंग हो जाती हैं, इस चीज का पता है कि नहीं, समझ मेरी बात. लेक्चर पेंडिंग हो तो और भी बहुत सी चीजें पेंडिंग हो जाती हैं जी भाई. एडिशनल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट एग्रीज टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आईटी शैल इंक्लूड एमसीस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन रिपोर्ट. और ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड्स रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं हो गया. अब आपने नहीं बोलना मेरे भाई वरना कैंसिल हो जाएगा इनका प्राइस, आगे भी कैंसिल चलता था. अगर कंडीशंस मीट ना हो तो इफेक्ट इवैल्यूएट करेंगे रिपोर्ट पे क्या आएगा, और जो भी रिपोर्ट पे इफेक्ट आएगा रेफर, और कोई नहीं बोलेगा, रेफरेंस के कहां पे देंगे, रिप्रेजेंटेशन लेटर में या ऑडिट रिपोर्ट में, एंगेजमेंट लेटर में. शाबाश शाबाश, तो ये क्वेश्चन क्लियर भाई. देखें ऐसे शोर मचाएंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो प्राइस खत्म. आगे चलें, स्टेट द मैटर विच ऑडिटर शुड कंसीडर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट. ये तो अभी हुआ है, अभी तो है, तो अभी तो नहीं भी याद करके आएंगे फिर भी आपको पता चल गया होगा. मुफ्त के प्राय, मुफ्त के बताइए कैसे ऑडिटर किन फैक्टर को कंसीडर करेगा ये डिटरमिन करने के लिए कि प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं. अच्छा हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है. प्री कंडीशंस दो हैं तो ऑडिटर दोनों के बारे में अलहदा अलहदा फैक्टर कंसीडर करेगा. जी मेरे भाई, शाबाश. ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज लीगल रिक्वायरमेंट पर्पज ऑफ फाइनेंशियल. ठीक है, आगे ये हो गया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल के लिए, और दूसरा जो था एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट
प्रीमाइज हाँ ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट दैट इट एक्सेप्ट्स हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट necessary internal control शाबाश इंफॉर्मेशन शाबाश 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 बिल्कुल ठीक बिल्कुल क्वेश्चन थ्री खानीवाल लिमिटेड KL हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू सबमिट एंगेजमेंट लेटर फॉर KL स्टैट्यूटरी ऑडिट कह रहे एंगेजमेंट लेटर सबमिट करें एंगेजमेंट पार्टनर हैज आस्क्ड यू टू एस्टैब्लिश वेदर प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट ऑफ KL आर प्रेजेंट एंगेजमेंट पार्टनर ने आपसे क्या एस्टैब्लिश करें वेदर प्री कंडीशन आर प्रेजेंट व्हाट मैटर्स वुड यू कंसीडर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट एग्जिस्ट प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट एग्जिस्ट जी मेरे भाई आप बताइए प्री कंडीशन फॉर द ऑडिट क्या वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की ठीक है बताया ठीक है लेकिन एक जगह पे डंडी मार गए हैं जब आप आपने कहना है वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल उसके आगे फैक्टर्स नहीं बताए कि किन फैक्टर्स को सामने रख के बताना है कि एक्सेप्टेबल है कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी हाँ हाँ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहना चाहते हैं पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहना चाहते हैं नहीं कह रहा नहीं मैं यासीन नागर नेचर ऑफ एंटिटी नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन फोर डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर इफ प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा बताइए ₹100 इनाम दूंगा इसको ₹100 क्योंकि इसके मुंह पे लिखा हुआ है इसके भी लेक्चर पेंडिंग है प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन जी बताइए कोर्स ऑफ एक्शन ₹100 प्री कंडीशन नहीं नहीं इफ प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट आर नॉट देखिए कंसेप्ट पूरा बताना है फिर अगर बताना है एक मिनट जी मेरे भाई इफ एनी ऑफ द प्री कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट ₹100 का सवाल ये ले पीछे आ जाते हैं ऐसा क्या मसला है जी मेरे भाई ₹150 के लिए सवाल लेकिन बताना पूरा है इफ वन ऑफ द प्री कंडीशन नॉट प्रेजेंट ये हाल है ₹50 के लिए बताइए भाई हाय ये बताइए वन ऑफ द प्री कंडीशन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें भाई टाइम जाया नहीं करना इफ मैनेजमेंट डज नॉट एग्री ऑन प्रीमाइस नहीं नहीं बोले बोले ऑडिटर शैल रिफ्यूज एंगेजमेंट अगर प्रीमाइस पे एग्री ना करें मैनेजमेंट ऑडिटर शैल रिफ्यूज एंगेजमेंट और इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल तो ऑडिटर शैल रिफ्यूज एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ अब आगे कहानी चलाएं नहीं तो नहीं कहानी रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड एक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर मेट एडिशनल डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिवन एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट एक मिनट है वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू किस में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या ऑडिट बोर्ड में शाबाश शाबाश अगर ये कंडीशन भी मेट नहीं होती तो ऑडिटर वैल्यूएट करेगा इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट और जो भी फैक्ट होगा उसे अपनी रिपोर्ट में सॉरी एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड कर देगा जो भी फैक्ट होगा शाबाश ये चार क्वेश्चन हो गए इसके बाद आगे चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट डाउन द प्रिंसिपल कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अच्छा पहले तो ये बताइए, प्रिंसिपल से मुराद सिर्फ वो 5 रिक्वायर्ड वाले हैं कि सारे ही प्रिंसिपल हैं? सारे प्रिंसिपल नहीं, सारे प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल कह ले, इंपॉर्टेंट कह ले, वो एक ही है, वो एक ही है, सारे सारे ही। तो कोई बात नहीं, इसमें आप मुझे 5 नंबर के साथ है, 7 नंबर के साथ है, 8 बता दीजिए। प्रिंसिपल कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जी मेरे भाई, प्रिंसिपल कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपर्ट के वर्क को यूज करेंगे वो बता देंगे। आगे एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड प्लस सर्कमस्टेंसेस। आगे अच्छा स्टेटमेंट कौन सी देते हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट के साथ स्टेटमेंट कौन सी? अच्छा आगे इसके बाद टाइम जाया नहीं करने का जी भाई। ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड क्या? वर्किंग पेपर। एक और बता दे बस, फीस आर बेसिस ऑफ फीस। शाबाश शाबाश। लिस्ट द इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। जी लीजिए एक मिनट ठहरिए। 100 रुपीज का इनाम, अगर आपने 7 सिर्फ 8 बता दिए, 8 नहीं नहीं एक मिनट है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब एक स्टूडेंट जवाब दे रहा होता है ना तो दूसरे स्टूडेंट मस्त हुए पड़े रहते हैं, कोई उन्हें मसला नहीं होता, जो मर्जी बोलता रहे, ये तो उसका सवाल है मेरा कौन सा है। अभी अभी 2 मिनट पहले पूछा है और 100 रुपया इनाम है। शाबाश, ये मुझे गलत साबित करने लगे। शाबाश। स्कोप, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, शाबाश, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, शाबाश, वर्क ऑफ एक्सपर्ट इफ यूज, शाबाश, 4 फी, शाबाश, 3 5 नहीं लड़ रहे, हम लड़ बैठे हुए, मैं गलत था जी जी, 5 बस इतना ही आ रहा है। पूछता हूँ आगे अगला सवाल, ठहर जा। 7 ऑडिटर में एग्री टू ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रोवाइडेड देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। टर्म्स को चेंज किया जा सकता है प्रोवाइडेड रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो, ये पढ़ा हुआ ना हमने। लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच मैनेजमेंट मे रिक्वेस्ट ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ। अच्छा एक मिनट ठहरे, अलहदा अलहदा 50-50 के साथ पूछूंगा, तीनों जो स्टूडेंट बताना चाहता है 100 के साथ बताइए। अलहदा मुझे कोई इतराज नहीं। अलहदा लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस इन मैनेजमेंट मे रिक्वेस्ट ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ एन एंगेजमेंट, टर्म ऑफ एंगेजमेंट सर्कमस्टेंसेस बताइए। जी मेरे भाई आप सर्कमस्टेंसेस बता दें जिसमें मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है चेंज के लिए। ये हाल है जी भाई, सर्कमस्टेंसेस बताइए जिसमें मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है। भाई किताब बंद कर दें, ऐसे ना करें आप, साथ क्वेश्चन रटा लगा लेते हैं और फिर पूछ दे, किताबें बंद कर दें, किताबें बंद कर दें। सर्कमस्टेंसेस बताइए जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर चेंज इन टर्म्स। क्यों नहीं बताना यार, कल तो पढ़ाया था सर्कमस्टेंस। शाबाश। सर्कमस्टेंसेस विच चेंज द नीड फॉर एंगेजमेंट सर्विस, मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, शाबाश, इनअप्रोप्रिएट, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इंडिकेटिव ऑफ स्कोप लिमिटेशन, शाबाश। बी व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग ए चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये मैं बता देता हूँ, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं, ये देखना है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं।
सी लिस्ट द स्टेप्स दैट राइटर शुड कंसीडर इफ ही इज अनएबल टू एग्री टू अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. अनएबल टू एग्री 100 रुपीज के साथ, अनएबल टू एग्री. जी बताइए. अनएबल टू एग्री. हाँ जी सर, पहले देखिएगा कि ऑडिटर अनएबल टू एग्री. यानी मैनेजमेंट कह रही है टर्म चेंज करो, ऑडिटर कह रहा है मैंने नहीं करना. सर ऑडिटर शैल विथड्रॉ. ऑडिटर शैल विथड्रॉ, कहानी खत्म कर दी उसने पहले. शाबाश. ऑडिटर शैल विथड्रॉ. ऑडिटर शैल विथड्रॉ. जी मेरे भाई आप बताइए. शाबाश. हाँ जी ऑडिटर शैल कंटिन्यू प्रोसीजर एज पर ओरिजिनल एंगेजमेंट. नहीं नहीं ऐसे नहीं. इफ मैनेजमेंट डज नॉट परमिट वो तो दूसरा है. अच्छा इफ मैनेजमेंट अगर ठीक है एग्री. ठीक है ठीक है. इफ मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ ऑडिटर टू परफॉर्म ओरिजिनल एंगेजमेंट इट विल बी स्कोप. अच्छा अब ध्यान से यहाँ पे सुनना, ये बड़ा नाजुक सूरत हाल आ गई यहाँ पे. अब यहाँ पे मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रही. मैंने ये देखना ये पूरा कंसर्न बताते हैं कि नहीं. पूरा कंसर्न बताया तो 100 रुपीज मिलेंगे. बताए तो स्कोप लिमिटेशन होगी अगर मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती. इसका इफेक्ट होगा परवेसिव. ऑडिटर शैल विथड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट इफ 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 आगे लफ्ज फ्रेज था इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल. हाँ इफ पॉसिबल एंड. और आगे इफ विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अच्छा इस सिचुएशन में अब चूंकि मैंने हिंट दिया था दरमियान में तो उसका आप प्रायश्चित करना है. जब ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया, अब एडिशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें हमारी रिपोर्ट पे और क्या क्या इफेक्ट आएगा? एक अदर मैटर पैराग्राफ आएगा. शाबाश. दूसरा बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन को. और तीसरा क्या चीज नहीं आएगी, क्या चीज नहीं आएगी जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा? की ऑडिट मैटर. शाबाश शाबाश. की ऑडिट मैटर नहीं आएगी. ठीक है. सेवन एट सेवन ए डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन. मैंने क्लाइंट रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट. जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तो ऑडिटर का एक्शन क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन बताइए. रिवाइज टर्म्स एग्री की जाएंगे. नहीं पहले हम ये ना देख लें कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं. और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ये दो हिस्सों में आंसर जाना चाहिए कि एक ही समय? दो रास्ते निकलते हैं क्योंकि हो सकता है एग्री करे. अच्छा अगर एग्री करता है तो क्या करेंगे? तो रिवाइज एंगेजमेंट के मुताबिक प्रोसीजर होंगे. रिपोर्ट में ओरिजिनल एंगेजमेंट को उसके प्रोसीजर को रेफर नहीं किया जाएगा. जो रिपोर्ट दी जाएगी वो भी रिवाइज टर्म्स के मुताबिक होगी. ठीक है. और अगर एग्री नहीं करता ओरिजिनल एंगेजमेंट को ही कंटिन्यू किया जाएगा. और अगर मैनेजमेंट की तरफ से इसको अगर हाँ अगर मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती. शाबाश. तो ये मैनेजमेंट की तरफ से स्कोप लिमिटेशन होगी और ऑडिटर इसका इफेक्ट परवेसिव है. ऑडिटर विड्रॉ करेगा अगर पॉसिबल प्रैक्टिकेबल हो. विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है डिस्क्लेमर ओपिनियन देगा. क्वेश्चन एट. यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ ग्रीकॉन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट ऑफ योर फर्म. अच्छा मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है. बाकी क्वेश्चन कल आज क्योंकि हम टॉपिक भी कवर कर लेते हैं. चले बाकी फिर. हाँ तीन क्वेश्चन रह गए. 8, 9, 10, 11 चार. अच्छा अब हम कंसेप्ट चैप्टर 9. चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के दरमियान में एक दीवार खड़ी है. चैप्टर 9 से पहले पहले चैप्टर 8 तक
वो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्री कंडीशंस थी, यानी इफेक्टिवली ऑडिट शुरू नहीं हुआ था। जिस दिन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन हो जाते हैं, एंगेजमेंट लेटर पे साइन हो जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली ऑडिट शुरू होता है। तो चैप्टर 8 के एंड पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हमारी क्लाइंट के साथ साइन हो गई, चैप्टर 9 से हम इफेक्टिवली अपना ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो बताइए, प्रैक्टिकली हम डायरेक्ट प्लानिंग, पहले प्लानिंग करते हैं बाद में प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कि डायरेक्ट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? पहले प्लानिंग फिर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और प्रोसीजर परफॉर्म करने में आपको पता है तीन तरह के हैं, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब बस यही रह गया हमारे तीन बड़े चैप्टर, क्योंकि बस छोटे छोटे तीन चार चैप्टर्स हैं, ये तीन चैप्टर बड़े हैं, इसके बाद ऑडिट खत्म। तकरीबन प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो अब हम जो आगे चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं उसमें क्या सीखेंगे, चैप्टर 9 में सीखेंगे प्लानिंग और 10, 11, 12 में क्या सीखेंगे, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। प्लानिंग में हम क्या सीखेंगे, अब ये प्लानिंग सिखा रहा है, लेकिन प्लानिंग में सबसे पहला कंसेप्ट वो आपको ये बता रहा है कि आप तीन टर्म्स में आपको फर्क होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को तीन टर्म्स में फर्क पता है ना, वो ऑडिट का अभी तक उसकी अंडरस्टैंडिंग का मतलब है स्ट्रांग है। एक है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एक है प्री कंडीशंस और एक है प्लानिंग एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्री कंडीशन ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले पहले चेक करते हैं, और प्लानिंग एक्टिविटीज ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद करते हैं। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में दो काम करते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करते हैं। और एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर में जो एक अहम काम होता है, दो तीन बड़े अहम काम होते हैं, एक हमने अपने कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी को देखना होता है, दूसरा हमने क्लाइंट की इंटेग्रिटी को देखना होता है, और फिर हमने प्री कंडीशंस को भी देखना है। तो प्री कंडीशंस बेसिकली प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का एक हिस्सा है। ये दोनों प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्री कंडीशंस ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले परफॉर्म किए जाते हैं, और प्लानिंग एक्टिविटीज ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद। तो ये पहले मैंने आपको प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्री कंडीशन का फर्क बता दिया प्लानिंग एक्टिविटी के साथ क्या है, ठीक है। और याद रखिएगा, हमारे ऑडिट में ये कहा जाता है प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने प्लानिंग अच्छी कर ली है ना, तो फिर इसका मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। लेकिन अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो फिर परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। अब प्लानिंग में हम क्या काम करते हैं, दो काम करते हैं प्लानिंग में। जैसे प्री कंडीशन में दो काम होते हैं ना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल और मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइस, प्री कंडीशन में दो, उसी तरह प्लानिंग एक्टिविटीज में भी दो काम होते हैं। क्या, एक ऑडिट स्ट्रेटजी डक बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है, और दूसरा ऑडिट प्लान डिजाइन किया जाता है। प्लानिंग एक्टिविटीज में दो काम क्या किए जाते हैं, एक ऑडिट स्ट्रेटजी, दूसरा ऑडिट प्लान, एक ऑडिट स्ट्रेटजी, दूसरा ऑडिट प्लान। अब दोनों में फर्क क्या है, आपको एक मेन डिफरेंस बताता हूं। ऑडिट स्ट्रेटजी पूरे ऑडिट के लिए एक डॉक्यूमेंट होती है, और इसमें वो मैटर्स लिखे जाते हैं जो ओवरऑल नेचर के होते हैं, जो पूरे ऑडिट को सामने रखते हुए अहम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी रिपोर्ट की डेडलाइन क्या है, ये पूरे ऑडिट के लिए अहम है, ये हमारी ऑडिट स्ट्रेटजी में लिखा होगा। हमारा मटीरियलिटी लेवल क्या है, ये पूरे ऑडिट में यूज होता है, हर एरिया में ऑडिट स्ट्रेटजी में लिखा होगा। डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ऑडिट प्लान। स्टॉक काउंट करते हुए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, सेल्स को कैसे वेरीफाई करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैसे वेरीफाई करना है, ये चीजें कहां लिखी होंगी, ऑडिट प्लान में। तो ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में फर्क समझ आया आपको, चलिए ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट, अब इसकी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब इसका जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड ने दिया हमें उसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिट स्ट्रेटजी में ऐसे मैटर्स लिखे जाते हैं जो क्या करते हैं, जो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट से रिलेटेड है।
स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। और ऑडिट प्लान में कौन कौन से मैटर्स हैं, क्या लिखा जाता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर एवरी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एवरी, इसका मतलब ये हुआ ऑडिट स्ट्रेटजी पूरे ऑडिट में कितनी होगी? एक एक होगी, एक होगी, अभी बताया एक ही होगी। और ऑडिट प्लान पूरे ऑडिट में कितने होंगे? जितने एरियाज हैं, हर एरिया का अलग ऑडिट प्लान बनता है, हर एरिया का अलग ऑडिट प्लान बनता है। मैं आपसे पूछूं, बताइए डायरेक्टर्स को वेरीफाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बताइए? नहीं, प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करेंगे? कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, कुछ सेल की इनवाइसेस को चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, गुड डिस्पैच नोट वगैरह है कि नहीं, ईयर एंड के बाद देखेंगे कलेक्शन है कि नहीं, डेटर्स की एजिंग चेक करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सारे प्रोसीजर करेंगे ना। अभी तो आपको अपनी जजमेंट की बेस पे जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ के आप बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे तो आपको जब कहा जाएगा ना, सीनियर कहेगा जाओ डेटर्स का एरिया वेरीफाई करके आओ, तो आप उसे पूछेंगे सर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वो आपसे ये नहीं कहेगा अपनी जजमेंट की बेस पे, वो कहेगा वो हमारी फाइल पड़ी है उसमें डेटर्स का ऑडिट प्लान निकालो। कौन सा ऑडिट प्लान निकालो? डेटर्स का, और जो जो प्रोसीजर लिखे हैं परफॉर्म करो। जिसको सेल्स का एरिया मिलेगा उसने कौन सा ऑडिट प्लान उठाना है? सेल्स का। इसे ऑडिट प्लान भी कहते हैं, समटाइम ऑडिट प्रोग्राम भी कहते हैं, और ऑडिट स्ट्रेटजी पूरे ऑडिट के लिए। तो फर्क रखना है, ऑडिट स्ट्रेटजी में जो टर्म्स यूज हुए हैं स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्ट्रेटजी में कौन से फ्रेज यूज हुआ? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। और ऑडिट प्लान में कौन सा फ्रेज यूज हुआ है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्कोप का मतलब क्या है? हमारे ऑडिट में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें शामिल है जिनको हमने वेरीफाई करना है। क्या सिर्फ IFRS को देखना है कि कोई लोकल रिक्वायरमेंट भी है? जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट का स्कोप ज्यादा बड़ा होता है, क्यों भला? उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ चार और चीजों के ऊपर भी ओपिनियन देना होता है, याद है? चार प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। टाइमिंग, स्कोप का मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें शामिल है। टाइमिंग का मतलब रिपोर्ट कब देनी है, डेडलाइन क्या है। डायरेक्शन का मतलब ऑडिट में किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है, ये रिस्क और मटेरियलिटी को सामने रखकर डिसाइड किया जाता है। जैसे प्रैक्टिकली हमारे एक एरिया में अगर एक ऑडिट में 30 एरियाज है ना, 30 एरियाज आप देखें, टिपिकल ट्रायल बैलेंस में भी आपको 25-30 क्वेश्चन के अंदर अकाउंट्स नजर आ जाते हैं। पार्टनर जब रिव्यू करने के लिए आता है ना, वैसे हमने सारे एरियाज के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं, मैनेजर चेक भी सारे करता है, सीनियर भी सारे एरियाज को रिव्यू करता है, लेकिन जब पार्टनर आता है ना, वो सारे एरियाज को नॉर्मली रिव्यू नहीं करता, वो कहता है ये 3-4 बड़े बड़े एरियाज दिखाओ जो मटीरियलिटी के लिहाज से ज्यादा अहम होते हैं या रिस्क के लिहाज से ज्यादा अहम होते हैं, उनके ऊपर पार्टनर फोकस कर रहा होता है। तो स्ट्रेटजी में भी हम यही डिसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेटजी में पार्टनर यही बता रहा होता है कि डायरेक्शन का मतलब किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है, हमारी ऑडिट एफर्ट्स किन एरियाज की तरफ डायरेक्टेड होंगी। वो डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर, वो डिपेंड करता है मटेरियलिटी के ऊपर। जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा है हमने उनको फोकस करना है, जिन एरियाज में हमारा जो मटेरियल है अमाउंट ज्यादा है उनको फोकस करना है। हम एक हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे पार्टनर ने कहा स्टार्ट में स्ट्रेटजी में कि जो इनका इनडोर पेशेंट्स का रेवेन्यू है ना वो क्रिटिकल है, उसके ऊपर फोकस करना है। बाकियों को भी हमने वेरीफाई किया था, इसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया। बैंक ऑडिट करने के लिए गए, उन्होंने कहा कि इसमें इंटरेस्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना अहम नहीं है जितना अहम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। आपको नजर आ रहा होगा बजाहिर कि इंटरेस्ट रेवेन्यू और इंटरेस्ट सब वो भी फोकस करते थे उनके ऊपर, क्योंकि उनकी अमाउंट ज्यादा थी, मटेरियलिटी ज्यादा थी, लेकिन रिस्क किसमें ज्यादा था भला? रिस्क इंटरेस्ट में नहीं था, उसके लिए तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कैलकुलेशन हो जाती है। रिस्क किसके था? बैंक के ऑडिट में रिस्क सबसे ज्यादा किस एरिया में होता भला? रिफरा बैड के, जिन लोगों को लोन दिए हुए रिकवरी होगी कि नहीं होगी उनके ऊपर फोकस करना। बाकी छोटे मोटे इनकम एक्सपेंस के ऊपर भी हम प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, लेकिन ज्यादा है। तो स्ट्रेटजी में ये मैटर ओवरऑल, और ऑडिट प्लान में हर एरिया के प्रोसीजर।
अब हमारे सिलेबस में उसने कुछ ऑडिट प्लान दिए हुए हैं, सारे नहीं 17-18। अगर आपका कभी दिल करे ना, कभी दिल करे, फारग बैठे हुए हैं, क्या करें, रिवीजन कर ली, पेंडिंग लेक्चर भी कंप्लीट हो गए सारे, अब क्या करें। अब ऑडिट प्लान सर ने कहा था, ऑडिट प्लान ऐसा होता है हर एरिया के लिए, मुझे शक है सर ने सही नहीं बताया। ऑडिट स्ट्रेटजी तो पूरे ऑडिट के लिए एक होती है, लेकिन ऑडिट प्लान हर एरिया के, क्या सेल्स का ऑडिट प्लान अलग होगा, क्या फिक्स एसेट्स का ऑडिट प्लान अलग होगा, क्या इन्वेंटरी का अलग होगा, क्या ऑडिट प्लान अलग होगा, क्रेडिट का अलग होगा? नहीं समझ आई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो आप आइए चैप्टर 10, प्लानिंग के बाद परफॉर्मेंस ही होती है ना, चैप्टर 10 पेज 115, लिस्ट नजर आ रही है, लिखा हुआ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, लिस्ट नजर आ रहे हैं बेटा, लेकिन परेशानी ना, 18 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ज्यादातर हमने पढ़े हुए हैं, पेज 115 ज्यादातर हम, आपको नहीं ना यकीन आ रहा? अच्छा पहले तो नहीं यकीन आ रहा है, सच बोला ना, पहले तो आप ये देखिए कि क्या तक बड़े बड़े एरियाज यही होते हैं ना, पढ़ के बताएं, टेंजिबल नॉन करंट, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बड़े बड़े एरियाज यही होते हैं, पढ़ के बताए जरा ऊंची आवाज में पढ़ के बताओ भाई, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होता है एरिया, इनटेंजिबल्स भी है, इन्वेंट्री भी है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी है, अक्रूवल्स प्री पेमेंट भी है, बैंक बैलेंस भी है, कैश बैलेंस भी है, ट्रेड पेबल भी है, और प्रोविजन एंड कंटिजेंसी भी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होता है, इक्विटी भी कोई एरिया होता है, सेल्स भी है, परचेज भी है, पेरोल भी है, नीचे ना 10 के बाद थके थके एरियाज आ जाते हैं, यानी थके थके एरिया से मुराद एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछता, कभी कभार 3-4 नंबर के साथ, जो टॉप 10 है शुरू वाले है ना, टॉप 10 वाले, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमने पढ़ने सारे ही है। तो ये देखे, अच्छा आप जरा आगे देखे बगैर मुझे बताएं, जब आप सफा पलटेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, प्रोसीजर्स, हर एरिया के प्रोसीजर, इस एरिया में ये प्रोसीजर, इस एरिया में ये प्रोसीजर, इस एरिया में ये प्रोसीजर, नहीं याद कर, देखे आपको टिप बताएंगे जिससे आप इंशाल्लाह जल्दी याद कर लेंगे, बेफिक्र हो जाए, लेकिन आपने एक काम करना है, आइंदा जब कभी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम, तो आपने मोबाइल यूट्यूब इधर नहीं जाना, आपने चैप्टर 10 स्टार्ट कर लेना, कोई ना कोई रैंडमली एक एरिया पकड़ के कि जरा देखते हैं इसमें प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म होते हैं, डेटर्स में क्या क्या परफॉर्म होते हैं, जैसे अभी डेटर्स हमने 3-4 प्रोसीजर डिस्कस किए, और मजे की बात जो डेटर के प्रोसीजर है तकरीबन वही क्रेडिटर के भी हैं, सिर्फ ये है जहाँ पे GDN है गुड, वहाँ पे GRN हो जाएगा, जहाँ पे कैश रिसीव्ड है वहाँ पे कैश पेड हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ यही होगा, जहाँ डेटर है वहाँ क्रेडिटर हो जाएगा, प्रोसीजर वही, ठीक है। तो आप क्या करना है आपने, बल्कि आपकी होम असाइनमेंट, कुछ भी नहीं करना आपने, आपने सिर्फ डेटर्स और क्रेडिट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 8 चैप्टर प्रोसीजर पढ़ के आने, और मुझे बताना है सर आपने कहा था हमने ज्यादातर प्रोसीजर पढ़े हुए हैं, आपने मुझे कल यह बताना है कि यह बात मेरी सही थी कि गलत, सही है। नहीं, पढ़ के एविडेंस के साथ, एविडेंस के साथ, किसकी थी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये है ऑडिट प्लान, मैंने कहा आपको ऑडिट प्लान की एग्जांपल भी दे दूं ना, हर नेचर, इसमें क्या होगा, नेचर टाइमिंग, नेचर से मुराद इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्म, एनालिटिकल प्रोसेस, कौन से वाला, टाइमिंग से मुराद ये रन से पहले प्रोसीजर परफॉर्म करना कि ये रन के बाद, यहां पे टाइमिंग से मुराद था डेडलाइन, यहां पे ये रन से पहले, एक्सटेंड का मतलब क्या है, सैंपल साइज कम होगा कि ज्यादा होगा, क्लियर। तो ये ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान में फर्क समझ आ गया, बाकी कोई इतने प्रॉब्लम नहीं। प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, प्लान जाहिर है बड़े लोगों को करना चाहिए, छोटे लोगों ने तो अमल करना है उसके ऊपर, तो प्लान करेगा एंगेजमेंट पार्टनर, अदर सीनियर टीम मेंबर,
ये ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटजी आपको कौन बना के देगा पार्ट, और इस ऑडिट प्लान में जो जो प्रोसीजर लिखे होंगे इसके ऊपर अमल किसने करना है? आपने। इंपॉर्टेंट, क्या ऑडिट प्लानिंग की अहमियत है? बहुत अहमियत है भाई, ये कंसेप्ट है। बाकी इसमें कोई रूटीन की बातें, जैसे कह रहे हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है प्लानिंग करने से, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। जैसे आपको ऑडिट स्ट्रेटजी में ये पता चले कि जी रिवैल्यूएशन कराई है क्लाइंट ने, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से आपने इसको प्लान कर लिया एक्सपर्ट को कब इंगेज करना है, उससे कब उसके रिपोर्ट लेनी है। मुझे ये बताइए एक्सपर्ट का काम हमारी ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले पूरा होना चाहिए कि बाद में? पहले होना चाहिए ताकि उसकी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह अगर है तो रिपोर्ट में शामिल कर सके हम। तो इसी तरह कंपोनेंट ऑडिट एक्सपर्ट को इंगेज करना। बड़े बड़ी प्रॉब्लम प्लानिंग करने से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू में ही आइडेंटिफाई हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है रिस्की एरियाज कौन से हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, फोकस ऑन इसमें आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, इसमें फिर उनके ऊपर फोकस करते हैं, फिर अच्छी टीम को सेलेक्ट करने में आसान। जैसे हमने पढ़ा था कोड ऑफ एथिक्स में, अगर आपको पता चले प्लानिंग स्टेज पे ही कि आपका कोई प्रीवियस टीम मेंबर था इस साल वो क्लाइंट को ज्वाइन कर चुका है, हाँ कहेंगे थ्रेट है अब इस दफा तो हमें अपनी टीम में मोर एक्सपीरियंस चेंजेस करनी है, मोर एक्सपीरियंस बंदों को लेके जाना, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, इसमें पहले से प्लान कर लें। प्लान कर हमारे जब क्लाइंट होता था पार्टनर नॉर्मली 3 पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है, 3 महीने की अगर असाइनमेंट हो ना, एक स्टार्ट में प्लानिंग स्टेज पे पार्टनर आगे हमें बता देता है कि ये एरिया प्रॉब्लमेटिक है, ये इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर फोकस करना है, ये काम करते हैं, फिर चला जाता है 1.5 महीने बाद दरमियान में देखने के लिए कि काम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर एंड में रिव्यू करने के लिए एंड में। तो स्टार्ट में उसका मकसद होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या है, पहले टीम को बताना क्या काम करना है, दरमियान में सुपरविजन के काम ठीक कर रही है टीम के नहीं, और एंड में रिव्यू चेक करना सही काम किया कि नहीं। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू तीनों का अलग अलग मतलब समझा दिया, स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन अलग अलग समझा दिया, नेचर टाइमिंग सेंट ऑफ अलग अलग मतलब समझा दिया। क्या प्लानिंग करना रिक्वायर्ड है? आई कैप आके पूछेगा हाँ भाई ऑडिट किया है सारा, आप कहेंगे बहुत अच्छा किया, क्या प्लानिंग की थी? Yes, की थी, साबित करो। कैसे साबित करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन सी ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, और अगर इनमें कोई रिवीजन हुई है, कोई रिवीजन हुई है ना, ईद की छुट्टियों की वजह से प्लान रिवाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान रिवाइज हुआ है तो वो रिवीजन भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फिर है प्लानिंग एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपने रीडिंग कर लेनी है, मैं आपको इस काबिल बना दूं कि रीडिंग करें तो आपको समझ आ जाए। प्लानिंग ऑडिट्स, अब देखें ऑडिट प्लान में जो प्रोसीजर लिखे जाते हैं वो कौन से होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हर एरिया पे यही प्रोसीजर होते हैं ना। ऑडिट प्लान तो खत्म, ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन कौन से मैटर्स लिखे जाते हैं? अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, अटेंटिव हो गए। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से डेफिनेशन सीखी है। हमें यह पता चला अभी तक के लेक्चर में कि प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 काम करते हैं, एक ऑडिट स्ट्रेटजी, एक ऑडिट प्लान। और हमें यह पता है ऑडिट स्ट्रेटजी में स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें डॉक्यूमेंट की जाती हैं, और ऑडिट प्लान में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब हम डुबकी लगाने लगे इनके अंदर कि ऑडिट स्ट्रेटजी में लिखा क्या होता है, हमारे सामने स्ट्रेटजी पड़ी है। ऑडिट प्लान में तो हमें पता चल गया ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या लिखा होता है? स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, याद है 3 अल्फाज? ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या होता है? स्कोप, टाइमिंग, रिपोर्टिंग कंसीडर टाइमिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस।
तो ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन कौन से मैटर है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप से क्या मुराद है? हमने ऑडिट में किन किन एरियाज को फोकस करना है, ये कैसे पता चलता है? डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री पे। अगर हमारा ऑडिट क्लाइंट हो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, तो स्कोप में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर हमारा ऑडिट क्लाइंट हो कंपनी, कंपनी, तो फिर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी शामिल होंगी। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप कैसे, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे स्कोप में क्या क्या चीजें हैं? इट डिपेंड्स ऑन, अच्छा चले कल कर लेंगे, लेकिन आपने फिर एक वादा करना, एक वादा करें, पढ़ के आएंगे, पढ़ के आएंगे। ये कंसेप्ट, ये ऑडिट स्ट्रेटजी वाला कंसेप्ट, ऑडिट स्ट्रेटजी वाला कंसेप्ट, ठीक है? बल्कि ऐसा करते हैं, कल मैं आज से ये ऑडिट स्ट्रेटजी वाले फैक्टर्स सुनूंगा, इसकी बेस पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसकी बेस पे ऑडिट स्ट्रेटजी, एग्रीड? इसमें मैं इसको, इसमें देखें चार हेडिंग है, सिर्फ चार। एक है मैटर्स डॉक्यूमेंटेड इन ऑडिट स्ट्रेटजी पेज 105 पे। ये सर मैंने मैंने आपको बताया था चैप्टर 8 और 9, ये रटे वाले चैप्टर्स हैं, इनमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ रटा लगा के निपटाएं इसको। पहला, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, पेज 105 पे मैटर्स डॉक्यूमेंटेड इन ऑडिट स्ट्रेटजी में पहली हेडिंग क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिनेट स्कोप। स्कोप को अंडरलाइन करें, इसका मतलब बता रहा है कि किसी भी एंगेजमेंट का स्कोप इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? टाइमिंग। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट कब देनी है। फिर है फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको सामने रखते हैं एंगेजमेंट टीम अपनी एफर्ट्स को डायरेक्ट करेगी कि इधर एफर्ट लगानी है कि इधर लगानी है। रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, किस किस रिसोर्स की जरूरत होती है? सबसे ज्यादा तो पैसों की, फिर बंदो लोगों की भी जरूरत होती है, हाँ, फिर उसके बाद इक्विपमेंट की भी, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चाहिए हमें, प्रिंटर नहीं चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं चाहिए, ये भी तो रिसोर्सेज में शामिल है। और सबसे अहम रिसोर्स, अच्छा पढ़ा दिया, चले नहीं 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 पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, ये ले भाई, ना 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 नहीं 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 नहीं, मैंने सिर्फ आपको इस काबिल कवर नहीं करवाया, करवाना है कल, मैंने सिर्फ इस काबिल बनाया है कि आप खुद से पढ़े ना और याद करें, क्योंकि इस पे प्राइज मिलना है, जब याद करें ना तो आपको समझ आ रही होगी क्या कह रहा है। हाँ हाँ, कल कल वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, कल नहीं है। ये किसकी किताब है भाई? भाई ठीक है, चलिए, तो आज की आपकी होम असाइनमेंट में ये तो कंसेप्ट शामिल है ही है, ये सिर्फ चार क्वेश्चंस हैं, आपने इनको भी याद करना है, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के पॉइंट याद करने हैं, कल मैंने सुनने हैं, ठीक है? मेन कंसेप्ट मैंने बता दिया है, अब इसमें जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होंगे अहम, कल उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।